अक्षय कुमार, नुसरत भरूचा, जैकलिन फर्नांडिस, स्टारर राम सेतु फाइनली हिट द सिल्वर स्क्रीन टुडे। राम सेतु हैज बीन डायरेक्टेड बाय अभिषेक शर्मा। द फिल्म इज एन एक्शन एडवेंचर ड्रामा दैट टेल्स अ स्टोरी रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज। एज नाउ द फिल्म इज रिलीज्ड, लेट्स चेक आउट सम पब्लिक रिएक्शन। मूवी बहुत ही बकवास लगी मुझे, मुझे नहीं अच्छी लगी। आई रियली फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड अक्षय सर से। द मूवी वॉज गुड, वर्थ वाइल वॉचिंग, मतलब यू कांट से इट इज एक्सेप्शनल बट इट वॉज गुड मूवी। Film was very good. I loved it personally, and for the young generation also, this film was very impactful, and it brought awareness of the religion, of the tradition and culture of India. And the acting was also very good. The plot and the mix of genres was also very different and informative. ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है और जो उनका कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, और कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसको इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है कि दूसरे धर्म के लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रोवर्सी मुद्दा नहीं है। और जो एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो ये है कि म्यूज़िक का सही यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि एक ये धार्मिक मुद्दा है जो कि हमारे इमोशन से कनेक्ट करता है और म्यूज़िक हमारे इमोशंस को इन्हांस करती है, तो म्यूज़िक का सही यूज़ नहीं किया गया। मैं खास तो कुछ नहीं, रामचंद्र जी के ऊपर बनाई गई है पिक्चर, जो रामचंद्र जी ने पुल बनाया था ना, जब रामचंद्र जी श्रीलंका गए थे ना उस टाइम जो बना था हनुमान जी की जो वानर सेना है रामचंद्र जी को जाने के लिए, उसी के ऊपर पिक्चर बनाई गई है कि ये रामचंद्र जी ने बनाया है या उससे पहला है, उसी के ऊपर बात है। हंसी फिल्म लगी मुझे राम सेतु, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया हूँ, जैसे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। हिंदुस्तान के बाहर राम जी का यानी कि हमारे हिंदुस्तान के भगवान का अस्तित्व लोग नहीं जानते, नहीं मानते, तो मैं आपको बता दूँ कि हिंदुस्तान के अंदर में राम का अस्तित्व है और साथ ही साथ राम सेतु का अस्तित्व है, क्योंकि हम अपने कल्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे दिवाली की बात अगर कही जाए तो दिवाली के दिन राम जी अयोध्या आए थे चलकर, तो उस दिन दिवाली के दिन राम जी को याद किया जाता है और घरों को रोशन किया जाता है कि उस दिन राम जी आए थे, बट कुछ लोग पटाखों में अपनी ज़िंदगी मिठाइयों में निकाल देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा सच जो राम सेतु है उसको इस फिल्म के अंदर में दिखाया गया है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वापस से आउट ऑफ कंट्री, अदर कंट्रीज़ के अंदर में लोगों को बताता है ये फिल्म कि हमारे हिंदुस्तान में राम का अस्तित्व है, लंका का अस्तित्व है और साथ ही साथ सीता का अस्तित्व है। इस फिल्म के अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म के अंदर जो जर्नी शुरू हुई है राम जी की, राम सेतु की, तो फ्लोटिंग जो स्टोन होता है वो, और साथ ही साथ हमारे लंकापति लंका प्लस जो संजीवनी बूटी है उसके बारे में। मूवी इज गुड, आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर, मुझे थोड़ी एवरेज लगी। हालांकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पहली बार ट्राई किया गया है, अभिषेक शर्मा का डायरेक्शन अच्छा है, असीम मिश्रा की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग और अच्छी हो सकती थी रमेश्वर भगत की, बट और म्यूज़िक भी अच्छा हो सकता था और, बट अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट इज गुड बट एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्स दे गिव द मूवी। 2 स्टार्स। आई गिव 4। वन टाइम वॉच, टू टाइम वॉच, यू कैन वॉच द सेकंड टाइम आल्सो, नॉट अ बैड मूवी। 4। 3। 5 में से 5 देंगे। हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखूंगा दोबारा। 4। हाँ वापस से देख सकते हैं एक बार और। आई स्टिल गिव गो विद 3 स्टार्स, नहीं तो मैं 2.5 देता, बट अक्षय कुमार जी ने बहुत कन्विंसिंगली अपने रोल निभाया और बहुत डिफरेंट लुक था, तो